नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिले में हो रहे उपचुनाव को लेकर थानों में जमा किए जा रहे लाइसेंसी हथियारों को लेकर भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। उन्होंने प्रत्येक थाने में लाइसेंसी बंदूकों और पिस्तल को जमा करने से पहले उनको प्रशिक्षित आर्मर से साफ करवाकर फिर एक बक्से में जमा किया जा रहा है और लाइसेंस शस्त्र धारक को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि थाने में बंदूक जमा करने के बाद उनका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो पाता था और लोग हथियार जमा करने में आनाकानी करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि आपका शस्त्र थाने में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप आचार संहिता के अनुपालन में बेहिचक अपनी बंदूकें जमा करें और निश्चित रहें। लोगों को अब थानों में अपने बक्से ले जाने से निजात मिलेगी और शस्त्रों को बेहतर तरीके से रखा जा सकेगा। ये जो बंदूक है आप बक्से में रखे हुए हैं और यहाँ पर जमा करने के लिए आए, ऐसा क्यों? इसलिए पिछली बार मेरी मैगजीन नहीं मिली थी और इसका भी वक्त था, ये नहीं मिला था, भूल गया था। तीन दिन परेशान हुए थे। अच्छा, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए लेके आए। कहाँ के निवासी हैं? कुरथरा, ग्राम कुरथरा। नाम? राजा यादव। सर, ये थाने में सर बंदूकें सुरक्षित तरीके से बक्से में रखाई जा रही हैं, तो क्या कहना? भिंड जिले में जैसा कि आप लोगों को विदित है कि यहाँ के लोगों को बंदूक से थोड़ा लगाव ज़्यादा है और वो बंदूक को बहुत केयरफुली रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी कभी कभी शिकायत रहती है कि थाने में जब वो बंदूक जमा करते हैं तो बंदूक का रखाव ठीक से नहीं मिलता उनको। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि सारी बंदूकें हम लोग केयरफुली बॉक्स में रखेंगे और अपनी एक्सपर्टीज, जितना लगाव उनको है, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अपनी एक्सपर्टीज उसमें देंगे और अपने आर्मर के माध्यम से उनकी सफाई भी करा देंगे, तो उनकी जो रखरखाव है बहुत अच्छा रहेगा वो। अच्छा, ये व्यवस्था कोरोना को देखते हुए की गई है? नहीं, कोरोना से इसका कोई संबंध नहीं है। जो पैशन है लोगों का, लगाव है बंदूक का, और वो जो चाहते हैं कि उनकी बंदूक के रखरखाव ठीक रहे थाने में, हम उसी की पूर्ति कर रहे हैं।